सुल्तान की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और जिस तरह मोहब्बत से उन्होंने आकिब जावेद को क्रेडिट दिया, और उन्होंने ये भी बात की पहले बहुत चीजें सही हो रही थी, पहले तो इनसे पूछें वर्ल्ड कप, एशिया कप, टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया कहाँ सही हुई है, मतलब ये तो बता दें आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है, आपको क्या सेंटर कॉन्टेक्ट सही दिया गया है, जो कारकर्दगी आपने दिखाई है ठीक है, आपको हम बैक करेंगे कि पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। 30वें कप्तान बने, ओडीआई आप खेलने जा रहे हैं, 16 ODI पाकिस्तान हरा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी पाकिस्तान की टीम जीती नहीं है सिवाय भजन की क्यादत में, वसीम भाई की क्यादत में पाकिस्तान ODI जीता है। सवाल ये पैदा होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं और काफी अच्छी उनकी लोग जो डिफरेंट चैनल पे उनकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उनकी लॉबी बना रहे हैं, उनके एडवाइजर को यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरा, उनके अब्बा आकिब जावेद की उन्होंने बात की, तो आकिब जावेद की तो PCB के चेयरमैन साहब ने जो फ्री हैंड दिया 5:30 बजे जो कप्तान अनाउंस किया जा रहा है, और आपको मुबारक हो जो आगा सलमान को हमने बैकअप के तौर पे तैयार किया था, अगर आप नहीं होंगे तो आगा सलमान होंगे, आपने दोस्ती निभा दी, बाबर को डंके की चोट पे आपके कहने पे लेके आए, फिर बाबर को आपने सेंट्रिक कॉन्टैक्ट एक कैटेगरी में दिलाया। सर आपको लगता है कि बाबर आजम जैसे जो प्लेयर है वो मोहम्मद रिजवान की सिफारिश का मोहताज है? 200% बाबर तो 2020 में थे, आपके मौजूदा चीफ सिलेक्टर करता डरता वो खुद भले आम कह रहे हैं बाबर आजम साहब को आउट नहीं करो, 2020 में पूरे ओवर करा दो, तो मेरे तो अपने जराए पता है 2020 में तो बाबर थे ही नहीं थे, बाबर तो ODI की टीम में थे। तो सवाल ये पैदा होता है, देखिए दोस्ती तो है डंके की चोट में, दुनिया में आप कहीं भी चले जाए बाबर रिजवान के अलावा नहीं जाएंगे, फिर 2020 में आप भी हैं मैं भी हैं, ओपन कौन करेंगे, रिजवान और बाबर करेंगे, आप जिस तरह भी कान यूं पकड़ लें यूं खोल लें। फिर सिलेक्शन कमेटी के साथ असद शफी को क्यों भेजा जा रहा है भाई, पहले तो ये मुझे बता दें, इनकी चलेगी मुल्तान सुल्तान नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, तो ये चीज, और आकिब जावेद की इनको तस्वीर पढ़ने की क्या जरूरत है, पहले तो ये जकर साहब को कह रहे थे कुर्सी, आने जाने वाली चीजें भी मोहसिन नकवी साहब के लिए कह रहे हैं, उन सब ब्लड निशान नहीं है। देखें ये बातें, हम भी क्रिकेट में 20-30 साल हो गए, हमने वसीम अकरम, मोइन खान, सकरन मुश्ताक, शोएब मलिक जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के साथ रहे, और ग्रेटेस्ट प्लेयर शोएब अख्तर जो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा ब्लड बोलते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ रह के ठीक है आपकी कारकर्दगी, आप हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को बैक करेंगे, मगर ये बातें ना करें किसी को, लोग जो जर्नलिस्ट है वो अपनी यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और सवाल जितने जर्नलिस्ट ये कोई ऐसा सवाल नहीं किया उनसे, उनसे पूछे शहजाद डिजर्व करता था नहीं करता था 2020 में, उनसे ये पूछे आपने जो टीम सिलेक्ट हुई है आपकी मर्जी से टीम सिलेक्ट हुई थी नहीं हुई थी, ये तो बात किसी ने नहीं करी, पहले मुझे बता दें जो आकिब है। अच्छा